क्षेत्र में केबल के माध्यम से गत कई वर्षों से लोगों को स्वच्छ मनोरंजन की सेवा उपलब्ध करा रहा ग्रैंड विजन के केबल को क्षतिग्रस्त कर महंगे उपकरणों की चोरी कर लोगों को मनोरंजन से वंचित करने वाले शार्क नेट के रायपुर पंडरी निवासी दीपक पांडे, दुर्ग बोरसी निवासी अशोक शर्मा व उसके गुर्गों के खिलाफ ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी द्वारा सुपेला थाने में नामजद FIR दर्ज कराई गई है। सुपेला थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों दीपक पांडे, अशोक शर्मा, मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई व मोहसिन खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने इस प्रकार की जानकारी दी। सरकार की विभिन्न योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने ग्रैंड विजन वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहा है, साथ ही स्वस्थ मनोरंजन दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन को लगातार केबल काटकर और कीमती उपकरणों की चोरी कर शार्क नेट के प्रबंधक दीपक पांडे, बोरसी निवासी अशोक शर्मा एवं उनके टेक्नीशियन मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई, मोहसिन खान द्वारा बाधित किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी द्वारा थाना सुपेला में नामजद दर्ज कराई गई है। नामजद लोगों द्वारा 16 मार्च की रात्रि केबल तारों को काटकर कीमती उपकरणों की चोरी कर ली गई थी। इनके द्वारा पूर्व में भी केबल काटने और उपकरणों के चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से प्रसारण बाधित होते आया है। वहीं नामजद लोगों द्वारा 18 मार्च की सुबह फिर से उपकरणों की चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की रिपोर्ट थाना सुपेला में दर्ज होने के बाद से केबल काटने की घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं। दीपक पांडे, अशोक शर्मा, मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई, मोहसिन खान केबल काटने और उपकरणों की चोरी करने के क्रम को फिर से शुरू करें, इसके पूर्व इन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, ताकि केबल काटने की घटनाओं पर पूर्णतया विराम लगे और लोगों को स्वस्थ मनोरंजन से वंचित न होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।